स्टूडेंट्स वेलकम टू मॉड्यूल वन एट टू ऑफ दिस सेगमेंट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एथिकल इश्यूज़ फॉर दी डेटा साइंस इस सेगमेंट में ये इस मॉड्यूल में हम जो चीज़ डिस्कस करने वो कॉन्टेप्रेरी चैलेंज के इस वक्त जो इशूज़ हैं और, और ये issues जो आज हैं ये बढ़ते जाएंगे ये कम नहीं होंगे उसकी वजह ये कि डेटा साइंस इसकी यूटिलाइजेशन इसकी एप्लीकेशन इसकी जॉब ओपनिंग्स वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं और उसकी वजह से बेसिकली ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो इसमें काम है और लोग बड़े एक्साइटेड हैं बेसिकली इवन के ऑर्गेनाइजेशन आपकी वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो कॉरपोरेट सेक्टर हो गवर्नमेंट हो स्मॉल बिजनेसिस हो हर जो एरिया ऑल क्वार्टर्स ऑफ ओवर इकोनमी और ओवर वर्ल्ड एवरी वन इज़ सुपर एक्साइटेड अबाउट डेटा साइंस अब जब आप एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो देर इज़ अ चांस कि आप उसमें कोई गलती करें एंड देट इज़ वेयर एथिक्स दे प्ले वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल देखिए जो एथिक्स हैं अभी हमने जैसे बात की मशीन लर्निंग या फर्ज करें स्टेटिस्टिकल मॉडल हैं आपका डाटा की क्वालिटी है डेटा कम्प्लीटनेस है एंड दे आर सो मैनी अदर थिंग्स जब ये आप सारी चीज़ों को और वेन यू लुक एट दैम विद कॉन्टेम्प्रेरी जो आजकल के चैलेंजेस हैं फिर आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ें अब मोर एंड मोर रेलिवेंट होती जा रही हैं हमने ड्यूरिंग वन ऑफ द लास्ट सेगमेंट हमने ये डिस्कस किया कि ये जो एथिकल इश्यूज़ किस तरह से स्टेप बाय स्टेप या जनरेशन बाय जनरेशन इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती रही कि एक सुपर कम्प्यूटर्स का ज़माना था मिनी कंप्यूटर का ज़माना था तो नो वन वाज रियली वरीड अबाउट दिस थिंग्स उसके बाद जब पर्सनल कंप्यूटर आए आपके जो लैपटॉप आए आपके मोबाइल्स के अंदर आपका पूरा कंप्यूटर आ गया और फिर इंटरनेट आया फिर सोशल मीडिया आया एंड द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग यू नो कंप्यूटर एंड डिवाइस और वो तो इससे ये हुआ कि फिर हर सोसाइटी के क्योंकि नॉर्म्स डिफरेंट हैं हर कंट्री के कानून डिफरेंट हैं इस तरह डिफरेंट चीज़ें लेकिन एवरी वन इज़ यूजिंग द सेम इंटरनेट एक ही फेसबुक है एक ही आपका गूगल है जिसको सारी दुनिया एक्सेस कर रही है तो इस वजह से बहुत सारे ये, और ये चैलेंज आज से दस साल पंद्रह साल बीस साल पहले नहीं थे तो वजह इसकी यही है कि हर बंदा जो है ना वो किसी ना किसी तरह से अब आप ये देखिए इसमें एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि इतने लोग ये उनकी कोई अपनी कोई फिज़िकल शॉप नहीं है कोई स्टोर नहीं है कोई कंपनी नहीं है वो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू आके चीज़ें बेच रहे हैं कोई कुछ की अपनी वेबसाइट्स हैं कुछ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं बट इट हैज़ क्रिएटेड ह्यूज जो है ना इकोनॉमी के अंदर एक जो एक्टिविटी है ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं वो इससे क्रिएट हुई है तो जहाँ जब इकोनॉमी की बात आती है जब वहाँ पे पैसे की या मॉनेटरी बेनिफिट्स या आपके जो फिज़िकल बेनिफिट्स की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं लोग कुछ लोग ऑफ कोर्स नॉट वो फिर इस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनी एथिकल वैल्यूज़ पे यू नो सो आज के ज़माने में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जिस दौर में से आज हम गुजरे और ये जो इसका जो है ये डिपेंडेंसी और ये जो साइकिल है ये बढ़ता जाएगा ये लंबा होगा ये छोटा नहीं होगा जैसे हमने ये देखा था ना कि जो पिछली जनरेशन थी जो हमने तीन चार जनरेशन की बात की कि पचास साठ साल पिछले जो थे कंप्यूटर के हिस्ट्री के उसमें बहुत कम डिपेंडेंसी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही है या उसकी थोड़ी सी फॉर्म जो या शेप चेंज हुई लेकिन अब जिस दौर में हम हैं ये बढ़ता जाएगा वक्त के साथ इसका इम्पेक्ट ऑन ओवर पर्सनल लाइफ ऑन ओवर सोसाइटी ऑन ओवर इकोनमी ये दिन ब दिन बढ़ना है तो इसलिए हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है एंड स्पेशली यू एज डेटा साइंटिस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए चैलेंजेस जो हैं डेफिनेटली ये रोज़ ब रोज़ बढ़ते जाएंगे और मे बी यू ये जो रोल है डेटा साइंटिस्ट का मे बी यू इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यू नो सब रोज अकॉर्डिंग टू दाइज ऑफ़ दर्गनाइजेशन और द नेचर ऑफ़ द बिजनेस एंड स्टाफ लाइक दैट सो ये ये सारी चीज़ें दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एक्सपेक्ट क्योंकि हम अब इस वक्त अपने जो हमारा ये कोर्स है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस उसके आखिरी जो मराहल है उनमें जा रहे हैं तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड टूडे एंड टमोरो एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ को ये चीज़ें किस तरह से आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको और आपको एज ए ह्यूमन बींग किस तरह से इम्पेक्ट कर सकती हैं अब हमने ये भी देखा कि जो स्कैंडल्स हैं बेसिकली बहुत सारे ये जो मैंने एग्जाम्पल दी दे वर जस्ट वन और टू लेकिन देर आर मैनी मैनी हैपनिंग इन द वर्ल्ड ये आप अपने कंट्री की अगर हम एग्जाम्पल दें तो कई लोग जो है वो डाटा मैनिपुलेशन में दे हैव यू नो दे हैव बिन कॉट लोग इसका जो आपका हमारी जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जहाँ पे आ, सारे सेंसस का डाटा हमारे पूरी पॉपुलेशन का डाटा हमारे रजिस्ट्रेशन हमारे थम इम्प्रेशन एवरी थिंग हैज़ बिन रजिस्टर्ड तो वो डाटा भी लोग उसको वो डाटा अपनी जगह पे सेफ है बट वट दे हैव डन इज़ जैसे जाली थंब इम्प्रेशन बना लिए और किसी ना किसी तरीके से किसी की जाली आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट कर ली और उस डाटा को लोग मिस करते हैं कि जो प्रोसेस है एवेलुएशन का उसको चीट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं दे मेक इट मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट इसमें फिर जो डाटा प्राइवेसी की हमने बात की सर्वेलेंस की बात की मॉनिटरिंग की बात की गवर्नेंस की बात की तो ये सारी चीज़ें एवरीथिंग इज़ इन कॉन्ग्रुएंस ये क्योंकि अगर आप सिर्फ एक पार्ट करते हैं दूसरा नहीं करते तो स्टिल देर इज़ अ चांस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप चीज़ों को मिस कर सकते हैं हमने बात की गवर्नेंस की उसके अंदर हमने सिक्योरिटी की बात की प्राइवेसी की बात की और सिक्योरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है फिजिकल सिक्योरिटी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है और ये सारी चीज़ें बेसिकली दे बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर योर रोल अब जो डेटा है आपका इसकी जस्ट टू कंक्लूड दिस मोड्यूल आई री आईटीरेट द एग्जाम्पल ऑफ द डेटा लाइफ साइकिल और वो जो डेटा पाइप है कि डाटा किस तरह से तो असल चीज़ जो यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यह जो इसका लाइफ uh, साइकिल है डेटा का दैट विल वेरी फ्राम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फ्राम एजेंसी टू एजेंसी फ्राम बिजनेस टू बिजनेस ये चीज़ आपकी चेंज होगी कि कहाँ से डाटा आपका जो डाटा कलेक्शन उसके बाद जो आप उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं कि आपने डाटा को इनरिच किया डाटा को क्लिन किया उसकी क्वालिटी को चेक किया उसके बाद फिर अब आपने उस डाटा को स्टोर किया उसको मैनेज किया उसके ऊपर अनालिस परफॉर्म किया और फिर जो डाटा आपने शेयर करना है किसी के साथ जो भी उसका ऑडियंस है अगर पब्लिक उसकी ऑडियंस है या कोई खास डिपार्टमेंट उसका ऑडियंस है या अगर आपके पास फर्ज़ करें क्रिमिनलॉजी से रिलेटेड डाटा तो उसकी जो ऑडियंस है दे आर टोटली डिफरेंट वेरी फ्यू पीपल तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक श्योर कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया बिल्कुल सही तरीके से किया जहाँ से डाटा कलेक्ट करना चाहिए था उसको आपने कलेक्ट किया उसको जिस तरह से प्रोसेस करना चाहिए था उस तरह से हमने उसको प्रोसेस किया और उसको फिर जिस जो उसका एक्सपेक्टेड ऑडियंस है कि जैसे हम कहीं से कोई चीज़ उठा के किसी दूसरे बंदे को देते हैं या एक जगह से बैंक का काम है कि लोगों से पैसे ले कि उसने किसी को लोन दे देना है किसी को यू you नो know, वट एवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक की या जो सर्विस हैं जिनको बैंक भेजता है तो वो जो डाटा है वो उसको कलेक्शन से लेके तो उसकी जो डिसमिनेशन तक हर चीज़ जो है दैट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट दैट हैज़ टू बी गवर्नड एंड इट हैज़ टू बी और उसके अंदर जो एथिकल चैलेंजेस हैं जो एथिकल वैल्यूज़ हैं यू हैव टू मेक श्योर एज अ डेटा साइंटिस्ट कि आप उन सब को कम्प्लाई करें और मेक श्योर sure करें कि कहीं पे भी कोई ब्रीच किसी किस्म की सिक्योरिटी पे प्राइवेसी पे यू you नो know, किसी का पर्सनल डाटा अगर है तो उसको भी कोई मिसयूज़ ना कर सके बहुत सारी जगहों पे आपके पास गुंजाइश होती है फ़र्ज़ करें अगर आप काम कर रहे हैं हेल्थ केयर में या हेल्थ साइंसिस में तो आपके पास डाटा हो सकता है पेशेंट्स का जिसके ऊपर आपने कोई रिसर्च एनालिसिस करना है किसी मेडिसिन का इम्पैक्ट किसी वैक्सीन का इम्पैक्ट बट दैट डाटा हैज़ टू बी एनानस उसके अंदर उसका पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो कि हु कि वो कौन है हु इज़ हु राइट लेकिन आपने ये मेक एक श्योर करना है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है अब आपका ऑब्जेक्टिव मे बी यू आर वर्किंग इन अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये डिफरेंट है तो आप उस डाटा को तो हर तरह से एनालाइज कर सकते हैं लेकिन ये जाने बगैर कि ये डाटा किस पर्टिकुलर इंसान का उसकी डेमोग्राफी क्या है या उसकी एथेनिसिटी क्या है उसका रिलीजन क्या है उसका वॉट एवर तो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रोसेस करें और जो इेलिवेंट है जिससे किसी की सिक्योरिटी या प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है उसको आप प्लीज़ टोटली अवॉइड करें थैंक यू एल सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट